मॉर्निंग क्लास, आज हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर के अंदर पॉलिएस्टर एंड पीईटी, राइट। पॉलिएस्टर और पीईटी के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा एक्राइल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पॉलिएस्टर के बारे में। तो पॉलिएस्टर जो है एक सिंथेटिक फाइबर होता है, ऑब्वियसली विच इज मेड ऑफ केमिकल, जो केमिकल से मिलकर बना होता है। जहाँ पे वर्ड सिंथेटिक आ रहा है, केमिकल से मिलकर बना हुआ है, इट इज अ सिंथेटिक फाइबर, राइट। इट इज मेड ऑफ मोनो वैराइटीज ऑफ मोनोमर्स, इसके अंदर जो है थाउजेंड्स ऑफ मोनोमर पाई जाती हैं। इसके अंदर बहुत सारी मोनोमर्स पाई जाती हैं। जो मोनोमर पाई जाती हैं वो मोनोमर क्या है, एस्टर। व्हाट आर दोज मोनोमर्स, एस्टर। एस्टर मोनोमर्स जो है मिलकर बना हुआ होता है, ऑलराइट। एक बहुत ही फेमस जो है पॉलिएस्टर है, दैट इज टैरिलीन। टैरिलीन जो है एक फेमस पॉलिएस्टर है, विच इज यूज इन वेराइटीज ऑफ थिंग्स, जो कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है यूज में आता है। दिस इज वेरी यूजफुल, आपने सुना भी होगा वर्ड टैरिलीन, ऑलराइट। सो इट इज़ अ फेमस और पॉपुलर पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर जो है वो केमिकल सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं, ऑलराइट। जिसमें जो एस्टर है, एस्टर बेसिकली किसमें देखने को मिलता है हमको, प्लांट्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर। दिस इज बेसिकली फाउंड इन फ्रूट्स, बेसिकली किसमें देखने को मिलता है, ये फ्रूट्स के अंदर देखने को मिलता है, डन। इसके अलावा अपन बात करें, चलो ठीक है, अपन ने भी है ओप्टेन पॉलिएस्टर, अपन ने पॉलिएस्टर तो ओप्टेन कर लिया है, बट क्या होता है कि पॉलिएस्टर के अंदर भी बहुत बार नेचुरल फाइबर्स को मिक्स करने के बाद में, तो नेचुरल और सिंथेटिक दोनों का एक कॉम्बिनेशन से जो है अलग ही फाइबर्स को रिसीव करते हैं, लाइक पॉलीकॉट, राइट, पॉलीवुल एंड टेरिकोट। पॉलीकोट जो है वो पॉलिएस्टर से और कॉटन से मिलकर बना हुआ होता है। पॉलीवुल जो है पॉलिएस्टर और वुल से मिलकर बनी हुई होती है, और टेरिकोट जो है ये पॉलिएस्टर और टैरिलीन से मिलकर बना हुआ होता है, राइट। तो ये जो है कुछ पॉलिएस्टर के ही एग्जांपल्स हैं। पॉलिएस्टर सिंथेटिक फाइबर होता है, ये वैराइटीज ऑफ मोनोमर्स से मिलकर बना हुआ होता है। मोनोमर्स जो हैं वो एस्टर होती हैं, राइट। इसमें भी पॉलिएस्टर का जो फेमस एग्जांपल है, दैट इज टैरिलीन। टैरिलीन जो है इजीली अवेल है, हर कहीं पे आपको मिल जाएगा, दिस इज नॉट मच एक्सपेंसिव। इसके अलावा एस्टर जो है केमिकल सब्सटेंस है, जो प्लांट्स के अंदर फ्रूट से ऑब्टेन किया जाता है, दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम फ्रूट्स, राइट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, पॉलीकोट जो कि पॉलिएस्टर और कॉटन से मिलकर बना हुआ है, पॉलीवुल जो है पॉलिएस्टर और वुल से मिलकर बना हुआ है, टैरिकोट जो है पॉलिएस्टर और टैरिलीन से मिलकर बना हुआ है। दीज आर सम सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ पॉलिएस्टर, ये पॉलिएस्टर के कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके बाद में देखो एक और जो है सिंथेटिक फाइबर आ रहा है, दैट इज पीईटी, पॉलीइथाइलीन टेराफ्थैलेट। व्हाट इज इट, पॉलीइथाइलीन टेराफ्थैलेट, ये जो है दिस इज अ काइंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर, दिस इज लिटिल बिट हार्ड, और ये नॉन कंडक्टर होता है, जो कि बेसिकली बोटल्स को बनाने के अंदर काम में आता है, यूटेंसिल्स को बनाने के अंदर काम में आता है, फिल्म्स जस्ट लाइक आप लोगों ने देखा होगा सीडी डीवीडी प्लेयर जो होता है उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ये काम में आता है, और फोटोग्राफी के अंदर जो कैमरे के अंदर जो रील डलती है वो रील भी कहीं ना कहीं से मिलकर बनी हुई होती है। इसके अलावा वायर्स जो हैं, वायर्स भी पीईटी से मिलकर बने होते हैं। सो बहुत बार पूछ लेते हैं कि वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीईटी, पॉलीइथाइलीन टेराफ्थैलेट, राइट, दैट इज द फुल फॉर्म। इसके अलावा यूजेस भी पूछ लेते हैं, यूजेस बोटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एक्सेट्रा, राइट। इसके बाद में बात करते हैं अपन एक्राइल। एक्राइल जो है ये भी एक प्रकार का सिंथेटिक फाइबर है। एक्राइल जो है ये चीपर होता है, दिस इज नॉट मच एक्सपेंसिव, इजीली अफोर्डेबल होता है, और ये जो है बेसिकली शॉल्स, स्वेटर्स और ब्लैंकेट्स बनाने के लिए काम में आता है। दिस इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइट जो हुआ हीट जो है इसमें ट्रैप हो जाती है, ट्रैप होने के बाद में जैसे ही हीट जो है इसमें ट्रैप हो जाती है, हीट ट्रैप होने के बाद में ये वार्म्थ प्रोवाइड कराता है। क्या प्रोवाइड कराता है, वार्म्थ प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे अपन ने वेराइटीज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात कर ली है, पॉलिएस्टर, पीईटी, एक्रेलिक, इंपॉर्टेंट पॉलिएस्टर इन इट्स एग्जाम्पल्स, पीईटी की फुल फॉर्म, इसके अलावा यूजेज ऑफ पीईटी, इसके अलावा एक्राइल, एक्राइलिक के जो है यूजेज, दैट इज ऑल। इसके बाद में अपन बात करें कुछ और जो है सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में,
आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.